हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। मेरा आज का जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने कि अप्लाई किया था राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर राजस्थान। जी, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर राजस्थान में आप लोग के जो है एडमिट कार्ड आने शुरू हो चुके हैं। ऑफलाइन आप लोग के यहाँ पे फॉर्म अप्लाई हुए थे, पूरी जानकारी आप लोग को होगी यदि आप लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं और मेरे वीडियोस आप लोग देखते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए। लाइब्रेरियन, होटल सुपरिटेंडेंट, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट, लैब असिस्टेंट, कुक, एमटीएस, पियोन, सफाई वाला की इसमें वैकेंसी है आप लोग की, और एमटीएस वॉचमैन और मसालची की आप लोग की वैकेंसी काफ़ी अच्छी वैकेंसी थी। 10th पास थे तो आप लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया था। इसके अलावा जो है अदर क्वालिफिकेशन भी इसमें है। तो मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग के जो है यहाँ पे एडमिट कार्ड आ रहे हैं। यदि आप लोगों ने अप्लाई किया था तो आप लोग के भी एडमिट कार्ड जल्द ही घर पे पहुँचेंगे। आप लोग देख सकते हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर राजस्थान में सफाई वाला के इनकी पोस्ट है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2021 प्रोविजनल एडमिट कार्ड है इनका। रोल नंबर, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, ठीक है, रिपोर्टिंग टाइम वगैरह यहाँ पे आप लोगों को दी गई है। धौलपुर में इनका राजस्थान है और 17 अक्टूबर 2021 संडे के दिन ही आप लोग का यहाँ पे एग्जाम होने वाला है, ठीक है। 17 अक्टूबर को एग्जाम देने जाएंगे। रिपोर्टिंग टाइम जो है इनका 7:30 है और क्लोजिंग एंट्री क्लोजिंग जो है आप लोग का 9 बजे यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। सेंटर आप लोग का राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर रहने वाला है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। फोटो वगैरह आप लोग की लगा दी गई है। आप लोग का भी एडमिट कार्ड जल्द ही आ रहा होगा क्योंकि एग्ज़ाम आप लोग के 7 अक्टूबर 2021 में हैं। तो आप लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शन यार दिए हुए तो इस चीज़ की जानकारी आप लोग को होनी चाहिए, ठीक है। आप लोग को एडमिट कार्ड सेंड कर दिया गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग का सिलेक्शन हो गया। तो आप लोग को जो है जब भी आप लोग एग्ज़ाम देने जाएंगे तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आप लोग को लेके जानी है, जैसे कि आप लोग का एडमिट कार्ड हो गया, इसके अलावा एक फ़ोटो आईडी प्रूफ आप लोग को लेके जाना है, चाहे वो आप लोग का पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, वोटर आईडी कार्ड हो, आधार कार्ड हो, ठीक है, जिस आधार कार्ड जिस पर कि फ़ोटोग्राफ लगाओ, या फिर ई आधार और राशन कार्ड भी यहाँ पर चल जाएगा, ठीक है। एडमिट कार्ड और एक आईडी प्रूफ आप लोग रख लेंगे, ओरिजिनल ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप लोग जो है बॉल पॉइंट पेन, जी हाँ, ब्लू या बॉल पेन आप लोग यहाँ पे रख लेंगे और एक क्लिपबोर्ड आप लोग रख लेंगे, यानी कि पेन लेके जाना है आप लोग को, क्लिपबोर्ड लेके जाना है, ठीक है, एडमिट कार्ड लेके जाना है और आप लोग को आईडी प्रूफ लेके जाना है, और कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह आप लोग लेकर के नहीं जाएंगे, ध्यान रखिएगा। और विदाउट वेरिफिकेशन एंट्री नहीं मिलेगी एग्जामिनेशन हॉल में। इसके अलावा आप लोग को बताया गया है कि जल्द से जल्द आप लोग जो है अपने सीट पे आप लोग बैठ जाएंगे और नॉट परमिटेड टू हॉल, आप लोग जब तक एग्जामिनेशन समाप्त नहीं होगा तब तक आप लोग को बाहर जाने नहीं दिया जाएगा। आंसर शीट वगैरह आप लोग दे देंगे वहाँ पे एग्जाम के बाद, ठीक है। और इसके अलावा आप लोग को बताया गया है यहाँ पे COVID-19, जी हाँ, COVID-19 से रिलेटेड कुछ जानकारी यहाँ पे दी गई, रूल्स वगैरह आप लोग फॉलो करने हैं जो भी स्टेट गवर्नमेंट के, और अपीयर रिटर्न एग्जाम, यदि आप लोग रिटर्न एग्जाम के लिए अपीयर हो रहे हैं तो आप लोग वैक्सीनेट हो जाइए, ठीक है। वैक्सीनेट आप लोग हो जाएंगे तो जो भी आप लोग वैक्सीनेट होंगे उसका सर्टिफिकेट या फिर आरटीपीसीआर नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट आप लोग को लेके जाना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। या तो वैक्सीनेट सर्टिफिकेट या आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव रिपोर्ट आप लोग को लेके जाना पड़ेगा। तो आप लोग जल्द से जल्द आप लोग जो है वैक्सीनेट हो जाइए यदि आप लोग नहीं हुए हैं, और जो आप लोग की आरटीपीसीआर रिपोर्ट है वो 72 घंटे से पहले की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इंटरव्यू मीन्स रिटर्न एग्जाम से 72 घंटे से पहले से नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आप लोग के मोबाइल पे आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल होना चाहिए जो कि आप लोग का देखा जाएगा गेट पे, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप लोग को कुछ नहीं है, ठीक है। पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोग को दे दी है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर में आप लोग की जो वैकेंसी निकली थी इसके लिए आप लोग के एडमिट कार्ड आ रहे हैं। यदि आप लोगों ने अप्लाई किया है, अभी आप लोग के एडमिट कार्ड नहीं आए हैं तो जल्द ही आप लोग के एडमिट कार्ड आएंगे। लास्ट डेट आप लोग की 11/5/2021 थी। मैंने ही आप लोग को रिक्रूटमेंट की जानकारी और फॉर्म अप्लाई से रिलेटेड वीडियो पूरी जानकारी मैंने आप लोग को प्रोवाइड कराई थी, तो आप लोग देख सकते हैं यही आप लोग की रिक्रूटमेंट है, ठीक है, इसमें आप लोग देखेंगे। इसके अलावा कुछ जानकारी मैं आप लोग को देता हूँ। 50 रुपये फीस आप लोग की जो है आईपीओ लगी थी यदि आप लोग जनरल कैंडिडेट थे। बाकी एससी एसटी ओबीसी फिजिकल हैंडीकैप से कोई फीस यहाँ पे नहीं लगी थी। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की जानकारी होनी चाहिए यहाँ पे आप लोग को बताया गया है। मल्टी टास्किंग स्टाफ यानी कि पियोन, वॉचमैन, सफाई वाला एंड मसालची के लिए यहाँ पे आप लोग को बताया गया है कि आप लोग का जो है रिटर्न और स्किल टेस्ट, ठीक है, जो भी एप्लीकेबल होगा वो आप लोग का होने वाला है। रिटर्न एग्जाम 80 नंबर का और जो आप लोग का यानी कि 80 और 20 का आप लोग का रेशो रहने वाला है रिटर्न और ट्रेड में। रिटर्न में भी आप लोग को मार्क्स मिलेंगे और ट्रेड में भी आप लोग के मार्क्स मिलेंगे, जो आप लोग के मार्क्स बाद में काउंट किए जाएंगे। रिटर्न के 80% और ट्रेड के आप लोग के 20% मार्क्स ऐड करके आप लोग को जो है यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो रिटर्न एग्जाम के बारे में आप लोग को बताया गया है। रीजनिंग आप लोग की होने वाली 25 क्वेश्चन 25 नंबर की, और आप लोग की जो जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, इंग्लिश 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, और इसके अलावा आप लोग की जो मैथ होगी वो 25 क्वेश्चन 25 नंबर की होने वाली है।
यानी आप लोग की जीके और इंग्लिश जो है वो आप लोग के 50-50 क्वेश्चन आएंगे। 2 घंटे का आप लोग को टाइम मिलने वाला है, टोटल आप लोग के 150 क्वेश्चन 2 घंटे का टाइम मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें आप लोग बताई गई हैं, आप लोग देख सकते हैं। सिलेबस की जानकारी भी इन्होंने दी है, सिलेबस की जानकारी भी दी है, जनरल इंटेलिजेंसी अवेयरनेस न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड इंग्लिश में आप लोग के क्या क्या आने वाले हैं, तो इसका लिंक मैं आप लोग को दे दूंगा, आप लोग जो है रीड भी कर सकते हैं। वैसे मैं आप लोग को जानकारी दे देता हूँ, यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन जो है 10th लेवल के आने वाले हैं। यदि आप लोगों ने जो मसालची पियोन और सफाई वाला इन चीज़ों के लिए आप लोगों ने भरा, ठीक है, जो मैंने आप लोग को जानकारी दी है पियोन वॉचमैन सफाई वाला और मसालची के लिए, तो आप लोगों का 10th लेवल का एग्जाम पेपर आने वाला है, जिसमें कि आप लोगों का इंटेलिजेंसी के अंतर्गत आप लोग की आएगी, यानी कि रीजनिंग के अंतर्गत आप लोग की सिमिलैरिटीज आएंगी, ठीक है, डिफरेंस से स्पेस विजुलाइजेशन नंबर प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिटिक जजमेंट डिसीजन मेकिंग विजुअल मेमोरी और डिस्क्रिमिनेशन और ऑब्जर्वेशन रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट फिगर क्लासिफिकेशन अर्थमेटिक नंबर शीट नॉन वर्बल सीरीज, इसके क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे मिलने वाले हैं, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप लोग का जो है जनरल अवेयरनेस आने वाला, ये भी आप लोग का 10th स्टैंडर्ड का ही होने वाला है। इसमें आप लोगों की नॉलेज देखी जाएगी, करंट इवेंट वगैरह आप लोगों को जो एवरीडे जो आप लोग के जो इवेंट्स वगैरह होते हैं इनकी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा आप लोग को बताया गया स्पोर्ट्स हिस्ट्री कल्चर ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स जनरल पॉलिटी इंक्लूडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी आप लोग को होनी चाहिए, साइंटिफिक रिसर्च वगैरह होते हैं उसकी जानकारी भी आप लोग को होनी चाहिए। ये आप लोग की जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत पूछी जाएगी। इसके अलावा मैथ, मैथ के अंतर्गत आप लोग को पूछा जाएगा नंबर सिस्टम कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर डेसिमल एंड फ्रैक्शन एंड रिलेशनशिप बिटवीन नंबर फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन परसेंटेज रेशो एंड प्रोपोर्शन एवरेज इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट और यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ मेंसुरेशन टाइम एंड डिस्टेंस रेशो एंड टाइम एंड वर्क वगैरह आप लोग की आने वाली है मैथ में। इसके अलावा आप लोग की जो है यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज आने वाली है, इंग्लिश लैंग्वेज में आप लोग की द क्वेश्चन विल भी 10th स्टैंडर्ड का ही आप लोग को होने वाला है और बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज आप लोगों से पूछी जाएगी, वोकैबुलरी ग्रामर सेंटेंस स्ट्रक्चर सिनोनिम एंटोनिम्स एंड करेक्ट यूजेस एक्सेट्रा आप लोगों से यहाँ पे पूछी जाएगी। तो इनकी जानकारी मैंने आप लोग को दे दी है पियोन वॉचमैन सफाई वाला और मसालची के लिए। इसके अलावा अदर ट्रेड के लिए आप लोगों ने अप्लाई किया है, जैसे कि आप लोग का हॉस्टल सुपरिटेंडेंट लाइब्रेरियन और लैब असिस्टेंट, इसका जो डिफिकल्टी लेवल आप लोग देखेंगे जो आप लोग का सिलेबस है वही रहने वाला है, ठीक है। आप लोग का जो सिलेबस यही आप लोग का रहेगा, रीजनिंग वगैरह रीजनिंग आएगी आप लोग की, जीके आएगी, इंग्लिश आएगी और मैथ आएगी। लेकिन यहाँ पे यदि आप लोगों ने अप्लाई किया है हॉस्टल सुपरिटेंडेंट के लिए तो ग्रेजुएट लेवल का पेपर होगा, ग्रेजुएट लेवल के क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा लाइब्रेरियन के लिए सीनियर सेकेंडरी इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा लैब असिस्टेंट के लिए मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th लेवल के आप लोग के यहाँ पे क्वेश्चन आने वाले हैं, ध्यान रखिएगा यदि इन ट्रेडों से आप लोगों ने अप्लाई किया। बाकी ट्रेडों के लिए जो मैंने आप लोग को बता दिया प्योन वॉचमैन सफाई वाला मसालची के लिए ओनली 10th लेवल का ही क्वेश्चन आएगा, जीके रीजनिंग मैथ और इंग्लिश आप लोग की यहाँ पे होने वाले। 2 घंटे में आप लोग के 150 क्वेश्चन करने हैं, पूरी जानकारी मैंने आप लोग को दे दी है A to Z। यदि आप लोगों ने भी अप्लाई किया और भी कोई जानकारी आप लोग को लेनी है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगा। बट अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा, जाने से पहले देखूंगा यदि चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाई, ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो तो आप लोग लगा रहे। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।